कल पूरे दिन जो बिहार की राजनीति में घटनाक्रम हुआ उसे आपने देखा भारत लाइव की नज़रों से। हमने आपको पल पल का अपडेट दिया और बताया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने वीआईपी को, जो कि आपको याद होगा कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने ही शामिल कराया था और अपने हिस्से की 11 सीटें दी थी, उसके बाद से पूरी तरह से बिहार में अचानक से सब कुछ बदल गया और मुकेश सहनी को चुनाव लड़ने का दंड मिला। मुकेश सहनी ने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने का जो हिम्मत किया था उसका पूरा पूरा उन्हें दंड भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया और बाकी के जितने भी दल हैं वो सब चुपचाप भारतीय जनता पार्टी के इस मजाक को, या कहा जाए तो दंड को, देखने के लिए मजबूर थे। किसी ने कोई बात नहीं रखी और अब जबकि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि, हालांकि उनके जो विधायक थे वीआईपी के वो भी इस बात को जब शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में तो उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था और उन्होंने कहा कि वो संतुष्ट नहीं थे। लेकिन खैर, ये अक्सर होता है कि जब लोग पाला बदलते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं। आपको याद होगा कि 2013 में नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो क्या कहा था और नीतीश कुमार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के क्या विचार थे, ये सब कोई जानते हैं। 2017 में जब अलग हुए नीतीश कुमार महागठबंधन से तो लालू प्रसाद के बारे में क्या कहा था, जो दो साल से भी कम वक्त पहले लालू प्रसाद के समर्थन से ही वो मुख्यमंत्री थे। तो ये राजनीति में चलते रहता है, कब ठंडा और कब गर्म, कब किसके विरुद्ध और कब किसके साथ लोग हो जाएं, ये एक अलग बात है। सत्ता के लिए सब कुछ और समझौता करने के लिए तैयार रहते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी आज प्रेस वार्ता करने वाले हैं, लेकिन प्रेस वार्ता से ठीक पहले सबको अंदाजा था कि इस पूरे विषय पर भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी किया या जिस तरह से ये एनडीए के भीतर हुआ, सरकार में रहते हुए एक दूसरे के विधायकों को अपने पाले में करने की जो कवायद हुई, ये पहले भी हो चुका है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में जदयू के विधायकों को अपने पाले में कर लिया था और नीतीश कुमार कुछ भी नहीं बोल पाए थे, कोई प्रतिरोध नहीं कर पाए थे, सिर्फ दुख व्यक्त किया था, वैसी स्थिति में अगर मुकेश सहनी के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती है तो यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि नीतीश कुमार की तरफ से किसी तरह का कोई प्रतिरोध नहीं होगा और न ही किसी तरह का कोई बयान आएगा। हमने बहुत प्रयास किया कि जदयू के कोई भी नेता प्रवक्ता इस विषय पर बात करें, लेकिन किसी ने कोई भी बात नहीं की। अंततः आपको बता दें कि आज प्रेस वार्ता करके मुकेश सहनी अपनी बात रखेंगे और मुकेश सहनी ने लगभग ये स्पष्ट कर दिया है कि वो जिस लड़ाई के लिए राजनीति में उतरे हैं वो लड़ाई उनकी जारी रहेगी, अपने समाज को आरक्षण दिलाने का काम वो करते रहेंगे। मंत्री रहना या हटाना ये विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है, लेकिन अब ये सारी बातें खुल करके सामने आ गई हैं कि क्या नीतीश कुमार के विरुद्ध और भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एनडीए के खिलाफ मुकेश सहनी विपक्ष का हिस्सा बनेंगे। लेकिन स्थिति ये है कि जिस तरह से नीतीश कुमार की रणनीति के तहत लोक जनशक्ति पार्टी का तहस नहस हो गया, हालांकि एक बात थी उसमें कि चिराग पासवान सांसद थे इसलिए वो संसद में नज़रें मिला करके सबके सामने बैठ रहे हैं और हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, लेकिन मुकेश सहनी के पास वो अधिकार भी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया। जिस समय शुरू में ही आपको याद होगा कि मुकेश सहनी को 18 महीने के लिए जब MLC सीट दी गई तभी यह बात कही जा रही थी कि उनका रिचार्ज कूपन है जो कि आगे भारतीय जनता पार्टी रिचार्ज नहीं करेगी। अब इन सारी बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक बार फिर से नीतीश कुमार की चुप्पी ने बहुत सारी बातें खोल करके रख दी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुकेश सहनी क्या घोषणा करते हैं अपने प्रेस वार्ता में, वो एनडीए का हिस्सा रहते हैं या फिर विरोध में खड़ा होकर के एक नए राजनीति की शुरुआत करते हैं। जुड़े रहिएगा, हमारी पूरी नज़र बिहार में हो रही छोटी बड़ी हर घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।